Hello friends, welcome back to my channel My GK Study, and this is another video on top repeated question on the government examination. So shuru karte hain. So, question number 1 hai, CRC ka asankshipt roop kya hai? Char option hai: nagad vapsi anupat, nagad arakshit anupat, nagad rajswa anupat, nagad vapsi arakshit. ओके, इसका जो राइट आंसर है वो है 2, नगद आरक्षित अनुपात. नीचे एक्सप्लेनेशन है जिसमें है सीआरआर का अर्थ है नगद आरक्षित अनुपात. ये ऐसी धनराशि है जो बैंक अपने रिजर्व बैंक को अपनी शुद्ध मांग और समय देता हो एनडीटीएल के हिस्से के रूप में रखने के लिए बाध्य है. सीआरआर का उद्देश्य बैंकों की तरलता और शोधन क्षमता सुनिश्चित करना है. तो राइट आंसर जो आया है वो 2 है. मैंने टिक मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अपक्षपात वक्र के झुकाव को मापने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन है, परिवर्तन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इनमें से कोई नहीं. इसका जो राइट आंसर है फिर से 2 है. प्रतिस्थापन की सीमांत दर का प्रयोग अपक्षपात इन डिफरेंसेस का वक्र के झुकाव को मापने के लिए किया जाता है. प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक अपक्षपात उदासीनता वक्र के ढलान के पूर्ण मूल्य के बराबर होती है. ये एक उपभोक्ता की अधिकतम राशि है जो किसी अन्य की एक अतिरिक्त यूनिट प्राप्त करने के लिए देने के लिए तैयार है. ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? चार ऑप्शन है, 5वीं 10वीं 7वीं 9वीं. इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 2, 10वीं. कार्य के लिए खाद्य कार्यक्रम 2004 में देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था. ये 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य पूरक वेतन वाले रोजगार पैदा करना था. ये सभी भारतीय गरीबों के लिए खुला था जो मैनुअल अकुशल श्रम के लिए तैयार हो और परिश्रमिक के लिए रोजगार की तलाश में हो. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? चार ऑप्शन है, 7 आकर संघ बनाना, दूसरा ऑप्शन है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, तीसरा है 7 आकर संघ बनाना तथा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर अगेन नंबर 2 है. और इसका नीचे एक्सप्लेनेशन है जैसे कि अल्फ्रेड स्टीफन संघ बनाकर राज्य का गठन का संदर्भ देते हैं. भारत उसका एक क्लासिक उदाहरण है. सात आकर संघ बनाने के विपरीत जहां अधिक या कम संप्रभु राज्य एक साझा केंद्रीय सरकार के सृजन के लिए एक साथ समूह में बनते हैं और राज्य अपनी कुछ प्रभु सत्ता केंद्र सरकार को समर्पित करते हैं. संघ बनाकर राज्यों के गठन करना एक अपेक्षाकृत बड़ी राजनीति इकाई है जो विविध उप इकाइयों में उप विभाजित होती है और कुछ खास नीतिगत क्षेत्रों में प्रभु सत्ता का उपभोग करती है. ठीक है, राइट आंसर 2 था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है. डैश को फिल इन द ब्लैंक को भरना है. चार ऑप्शन है, निरंकुश लोकतांत्रिक, अधिकारवादी, राजतंत्रवादी. राइट आंसर है नंबर 2, लोकतांत्रिक. एक लोकतांत्रिक सरकार का आधार यह है कि उसे संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करना चाहिए. एक लोकतांत्रिक सरकार वह नहीं कर सकती जो उसे पसंद मात्र है, क्योंकि उसने चुनाव जीता है. इसे कुछ बुनियादी नियमों का सम्मान करना पड़ता है. विशेष रूप से यह अल्पसंख्यकों को कुछ गारंटी देता है. हर बड़े निर्णय को परामर्श के माध्यम से गुजरना पड़ता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? चार ऑप्शन है, 545 सीटें, 552 सीटें, 560 सीटें, 550 सीटें. इसका राइट आंसर दोबारा से नंबर 2 है.
मैं मार्क कर देता हूं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से एवं अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं, एवं राष्ट्रपति अगले भारतीय वर्ग से अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इस सदस्यों में 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, तथा 2 सदस्य अखिल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति से संबंधित है? चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 348। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है नंबर 3, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? चार ऑप्शन है, सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राइट आंसर है नंबर 3, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को दोनों सदनों का आहूत करने की, सत्रवसान और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। संसद के प्रथम अधिवेशन और उनके सत्रवसान विघटन के बीच की अवधि को सत्र कहा जाता है। दीर्घ अवकाश संसद के सत्रवसन होने और नए सत्र में इसके संवेत होने के बीच के समय को कहते हैं। राष्ट्रपति विघटन और सत्रवसन की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार। इसका जो राइट आंसर है वो है 3, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 19 खंड 1 और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्रदत्त संपत्ति के मौलिक अधिकार का लोप कर दिया गया है। इसे अब संविधान के भाग 12 के अंतर्गत एक नया अध्याय 4 अतः स्थापित करके इसमें अनुच्छेद 300 का बना दिया गया है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार तो है किंतु मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार, अधिकार प्रज्ञा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर है नंबर 2, परमादेश। मैंडमस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण से सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया गया एक आदेश है। यह तब जारी किया जाता है जब किसी भी सरकार, अदालत, नियम या किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को सार्वजनिक ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा करने में वह विफल रहता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको यूजफुल लगा हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एंड लास्ट में वही दो बातें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।